गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके लेके आया हूँ यामा की FZS जो कि रहने वाली है 4.0 वर्जन 4। जी हाँ दोस्तों, यामा FZ वर्जन 4 आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी ही इस गाड़ी की, यामा FZ 4 की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर्स के साथ में। ये काफी अच्छे दिख रहे हैं जो कि LED की प्लेसमेंट में है। साथ ही में यहाँ पे यामा का लोगो और DRL देखने को मिलता है। अब बात करें इसके शॉकर में, तो यहाँ पे हमें यामा की बेजिंग देखने को मिलती है और उसी के बाद में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ब्रेक लीवर की पाइप है जो कि बाइबर के रहने वाली है, डिस्क ब्रेक। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे अपन गोल्डन अलॉय व्हील कितने प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद में अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 180/17 की इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए काफ़ी अच्छी है। और बात करूँ इसमें कोई कूलेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसा MT-15 में देखा होगा आपने, उसमें कूलेंट का ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पे यामा ZS वर्जन 4.0 की बेजिंग देखने को मिलती है जो कि रेड कलर में गोल्डन कलर बहुत सूट कर रहा है। यहाँ हल्की सी स्पेस दी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन के लिए है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें हमें 149 cc का इंजन मिल जाता है जो कि 50 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज निकाल देता है। एक स्पोर्ट्स बाइक और एक डेली यूज़ बाइक के लिए बहुत अच्छा, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा माइलेज है। उसी के बाद में अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो एकदम स्पोर्टी लुक में आती है। अगर इसकी बात करूँ मैं, जो इसके फुटरेस्ट है इसमें स्प्रिंग दिया गया है जो कि एक सेफ्टी पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा है इसमें, क्योंकि हम पैर रख के ब्रेक दबाते हैं, अगर ये ऊपर रहेगा तो बाय चांस कई बार पैर स्लिप हो सकता है, इसलिए इसमें स्प्रिंग प्रोवाइड की गई है यामा के द्वारा जिससे पैर नॉर्मली रख सकते हैं। पर इधर के फुटरेस्ट में कोई भी हमें स्प्रिंग देखने को नहीं मिलती जो कि कपल या फिर जो भी अपना बैक साइड में जो भी पर्सन बैठा है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। साइलेंसर भी एक बेहतर डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। उसी के बाद में अगर बात करूँ इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में टायर प्रोफाइल आपको दिखा दूँ एक बार, ये रही 140/60R17 की इसमें पीछे की टायर प्रोफाइल है जो कि स्पोर्ट्स बाइक के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मडफ्लेट देखने को मिलेगा जो कि कीचड़ वगैरह या फिर बरसात में अच्छा है। उसी के बाद में यहाँ पे हमें बैक साइड में हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है और एक LED स्क्रीन देखने को मिलती है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे LED लैंप देखने को मिलता है जो कि स्टॉप लाइट में बहुत अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन प्रोवाइड भी करता है और अच्छी भी लगती है गाड़ी। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिलता है और साथ ही में यहाँ नंबर प्लेट के लिए हमें ऊपर लाइट भी देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन में थोड़ी सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉक सिस्टम की, तो यहाँ पे हमें साइड लॉक दिखता है जिससे अपन सीट ओपन करके पूरे टूल किट और सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ से अपन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फुटरेस्ट की, तो जैसा उस साइड में था सेम इस साइड भी वही है कि इस साइड में स्प्रिंग है जो कि एक सेफ्टी व्यू जैसा आपको बताया था बहुत अच्छा है, होता है अपना पैर वगैरह स्लिप हो जाता है, इसलिए जैसे ही अपन इसको ऊपर करें तुरंत नीचे आ जाता है। अब इसमें हमें 5 गियर देखने को मिलते हैं। गाड़ी फुल्ली मैनुअल में आती है, जैसा आपको बताया इंजन इसका 149 cc का है। उसके बाद में यहाँ पे FZS की बेजिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे जो कि हम कीचड़ वगैरह से सेफ रहे इसलिए हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन गार्ड देखने को मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है एक स्पोर्ट्स बाइक के मुताबिक। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ कंट्रोल्स की, तो हमें यहाँ पे टंकी लॉक देखने को मिलता है। इसके टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे हमें लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स के कंट्रोल है, साथ ही में यहाँ पे हमें हॉर्न की प्लेसमेंट की भी बटन दी गई, यहाँ पे हमें कट ऑफ स्विच दिया गया है, साथ ही में सेल्फ स्विच है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्विच की, तो जैसे ही अपन ऑन करते तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक खूबसूरत सा डिजिटल स्पीडोमीटर जो कि हाई से स्टार्ट होता है और देखिए कितना प्यारा लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमें RPM, स्पीड, साथ ही में टाइमिंग, हर चीज़ इन्फॉर्मेटिव है और हर चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।